एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों और समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही बताएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर अपने दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी, ईश्वर पर से उसका यकीन उठने लगा। फिर उसने सोचा कि पूरी जिंदगी यही इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ के डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई कि अचानक मौसम बदला, बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह इंसान टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे परमात्मा, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। फिर वह इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो हमें लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। दोस्तों, उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे परमात्मा, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, ईश्वर अपने भक्तों से दूर नहीं है। उसे सब पता है कि अपने भक्तों को कब और कैसे देना है। उसकी रहमतों की बरसात तो हर पल हर घड़ी 24 घंटे हो रही है। बस कमी है तो हमारे विश्वास की। हमारा विश्वास ही है जो डगमगा जाता है। जब एक सांसारिक पिता ही अपने बच्चे को दुख तकलीफों में नहीं देख सकता तो जिस पिता ने इस सृष्टि की रचना की है वो भला कैसे अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़ सकता है। प्रेमियों, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, प्रभु अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। राधे राधे।